हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। फूलों की खेती भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। वैश्वीकरण के उत्तरार्ध समय में जब बहुत से जो है व्यापारिक प्रतिबंध हटा दिए गए थे, तो फलों का, सब्जियों का, एक फूलों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विपणन बहुत ही लाभदायक हो गया था। फूलों के न्यास से जो है भारत बहुत सी विदेशी मुद्राएं कमा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि फूलों से जो है विदेशी मुद्रा कमाना, ठीक है। फूलों में गुलाब का जो है फूल, जूही, चमेली, गुलमोहर, गुलदाउदी इत्यादि जो है फूलों की खेती का उत्पादन बड़े पैमानों पर होता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र राज्य में काफ़ी बड़ी मात्रा में, एक विस्तृत क्षेत्रों में फलों की खेती होती है। इसके अलावा उत्तराखंड, असम, दिल्ली तथा त्रिपुरा में भी फ्लोरी कल्चर काफ़ी लोकप्रिय है, यानी फ्लोरी कल्चर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण लोकप्रिय व्यापारी विकल्प बन गया है, क्योंकि फूलों में जो है काफ़ी पैसे हैं और फूल जो है हर जगह यूज़ होता है। इसलिए देखा जाए तो आज जो है विश्व स्तर पर जो है भारत में फूलों के उत्पादन की जाती है, और इससे काफ़ी जो है अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। इवन कि जो किसान लगाते हैं उनके भी जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहें त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। और साथ में अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर को थैंक्स कहना चाहते हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सअप स्टेटस पर लगा देना है। जिन बच्चों ने देखना है वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना है नहीं देखेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, इंसान को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, बाकी जो है दूसरे व्यक्ति कर्तव्य निभाएं चाहे ना निभाएं, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो त्रिपाण श्रेणी का अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो शायद आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं होगा। और साथ में अगर आप यूट्यूब पर रिसर्च कीजिएगा कोई भी टॉपिक, तो आपको पता ही है कि पहले से जो मौजूद YouTube पे वीडियो होगा वही नज़र आएगा, त्रिपाण स्टडी सेंटर दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेने में ही आपके फ़ायदा है, ठीक है। और अगर आप और भी अच्छा देखना चाहते हो और भी इसमें कुछ सुधार चाहते हो, तो कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से क्या होता है कि इसे इसमें और भी सुधार की जाती है और बेहतर से बेहतर बना जाता है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना भी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपको पता है त्रिपाण स्टडी सेंटर के होम पेज पे सभी वीडियो उपलब्ध होते हैं। साथ में प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट में आपको जो है सभी क्लास के अंतर्गत और टॉपिक के अंतर्गत वीडियो दिख जाएंगे, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है।